हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो फिक्स्ड एसेट को लेकर मैं बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हम फिक्स्ड एसेट की एंट्री करना सीखेंगे कि हम फिक्स्ड एसेट की टैली आरपी 9 में कैसे एंट्री करें। और यहाँ से देखिए टैली आरपी 9 का जो मेन मेन्यू है हमने ओपन रखा है, देखते हैं, क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी आइटम इनवॉइस में अगर रहेंगे आप, ठीक है, अगर आप आइटम इनवॉइस में रहेंगे यानी इस तरह का आप का जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा होगा, तो ऐसे मोड में आप फिक्स्ड एसेट की एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि कंट्रोल के साथ वी प्रेस कीजिए और वाउचर मोड में आ जाइए आप। ठीक है, और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देता हूं मैं, सप्लायर का इनवॉइस नंबर सपोज कीजिए यही है और ये वो डेट है। ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, अगर आप उधार माल खरीद रहे हैं तो, अदरवाइज कैश कर सकते हैं आप, तो मैं यहाँ पे उधार में ही रख लेता हूँ। यहाँ पे आयुष क्रेडिटर डाल देता हूँ, ये डाल दिया हमने। यहाँ पे सप्लायर का एड्रेस आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे आप। अब यहाँ पर ये मशीनरी जो आपने खरीदी है वो मान लीजिए 40,000 रुपए की खरीदी है। ठीक है, एंटर प्रेस किया या न्यू रेफरेंस कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट आ रहा है लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड एसेट तो हमें दिखाई पड़ ही नहीं रहा है जो हमने बनाया था कंप्यूटर डेस्कटॉप करके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F12 की प्रेस करना है। ठीक है, F12 की प्रेस करने के बाद आपको एक बार और कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है और यहाँ पर अलाउ एक्सपेंसेस ऑब्लिक फिक्स्ड एसेट इन परचेज वाउचर, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पर इसको आपको इनेबल कर देना है। यहाँ से वाई प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा इनेबल, और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसमें जो हमने बनाया था कंप्यूटर डेस्कटॉप वो आपको शो होने लगेगा। अब जब शो होगा तो आप इसको ले सकते हैं, यहाँ से ये ले लिया आपने और यहाँ पे ये आ गया। अब उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।